तुम्हारा YouTube चैनल। तो आज के इस YouTube वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम पावर पॉइंट 2007 या फिर कोई सा भी पावर पॉइंट का वर्जन ले लीजिए, उसकी मदद से हम एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना पावर पॉइंट दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। मैं उसके लिए विंडोज आर दबा के एक बार देख लेता हूँ, पावर पॉइंट सर्च कर लेते हैं। पावर पॉइंट देख सकते हैं, ये पावर पॉइंट इस पर नहीं चलता है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट चला लेते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं पावर पॉइंट, ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, ये वर्जन खुल चुका है। मैं इस फाइल को डिलीट मार देता हूँ फिलहाल के लिए, डिलीट स्लाइड एंड न्यू स्लाइड पे क्लिक करके आप ब्लैंक स्लाइड को चूज कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ब्लैंक ब्लैंक चूज करने के बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। यस फ्रेंड्स, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिप आर्ट का ही ऑप्शन मिलेगा, उस क्लिप आर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिप आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कार सर्च कर लीजिएगा, कार आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं कार सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देख सकते हैं ये कार है आ चुकी है, तो मैं ये वाली कार सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट वाली कार आ चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। ये इसके कुछ सिस्टम होते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो मैं इसको रहने देता हूँ एक बार, जैसे थी इसको वैसे ही रहने देता हूँ। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और ये देख सकते हैं ये फ्रेंड्स, मैं इस कार को यूँ कर देता हूँ एक बार, अब इसको जैसे कि जैसे, हाँ अब हम इसमें एनिमेशन डालेंगे कि ये कार यहाँ से यूँ जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए इस फ्रेंड्स को मैं इसको थोड़ा बहुत पास में ले आता हूँ, अब मैं इसको क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको एंड कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, तो कस्टम एनिमेशन पर आने के बाद आपको इस कार सेलेक्ट कर लेना है एंड एड एनिमेशन इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मोशन पाथ पे क्लिक करना है। मैं आपको फ्रेंड्स एक और बार बता देता हूँ, आपको एनिमेशन पे जाना है, फिर आपको कस्टम एनिमेशन, फिर आपको जिस भी ड्रॉ पे एनिमेशन चाहिए, जिस भी सेव पे, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर आप ऐड इफेक्ट पे आएगा, इसमें आपको ये मिल जाएंगे, देख सकते हैं ये डायमंड ऐसे हम करेंगे, तो ये ऐसा कुछ है, तो हम इसको ऐसा चाहते नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसको क्लिक करके मैं मोशन पाथ सेट करके मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपना खुद का पाथ भी सिलेक्ट बना सकता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए मैं ये बनाता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स अब बन चुका है मेरा, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मेरी कार नीचे जा चुकी है। तो आप इसकी स्पीड कर सकते हैं मीडियम है, मैं इसको वेरी फास्ट करके देखता हूँ, ये देखिए कितनी स्पीड से गया है फ्रेंड्स। अगर हमको वेरी स्लो करेंगे तो ये धीरे धीरे जा रहा है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं हमने अभी पावर पॉइंट की मदद से कितना अच्छा एक क्लिप आर्ट बनाया है, एनिमेशन फाइल बनाई है। तो फ्रेंड्स ऐसे देख सकते हैं हमने कोई सा भी इफेक्ट, कोई सा भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली ऐसी न्यू वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो मैं एक बार इस पर करके देख लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या हो रहा है देख सकते हैं, ये हमारी कार आ रही है। मैं इसको एक और बार चालू करके देखता हूँ, ये देख सकते हैं ये फ्रेंड्स हमने वो लगाया था, और अब हम जैसे क्लिक करेंगे हमारी ये कार नीचे की तरफ स्लाइड होता है कर रही है। तो फ्रेंड्स अब आप इसको बदल भी सकते हैं, मैं चाहूँ तो इसको ये सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यूँ भी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं तो खुद के दूसरा एनिमेशन बनाना चाहते हैं, जैसे मोशन पाथ ड्रॉ कस्टम पाथ, मैं फ्रीडम पर क्लिक करके ये देखिए अब हमारी कार बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी क्या भाई, अब हमारा और तेजी अब हमारी कार अच्छी हो गई। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपने खुद के भी इफेक्ट्स जोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई वीडियो में।